आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं डेल लैपटॉप की, जिसका मॉडल नंबर है लैटिट्यूड 3420। और अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमने ये ऑनलाइन मंगाया है, तो काफी बबल रैप पैक करके दिया हुआ है इन्होंने। तो हम डायरेक्ट आपको ये अनपैक करके दिखाते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है, क्योंकि मतलब बहुत सेफ्टी के साथ इसको पैक करा गया है, तो काफी बबल रैप है। तो हम डायरेक्ट इसका अंदर जो लैपटॉप का बॉक्स है वो निकाल के दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसको अनबॉक्स कर दिया है, और अभी मैंने बबल रैप के अंदर से इसका पूरा बॉक्स निकाल लिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी पैकिंग कैसी आई हुई है अंदर, पूरा इन्होंने टेप वगैरह अच्छे से लगा के दिया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूँ, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है i7 प्रोसेसर है, 64-bit प्रोसेसर है, i7 64-bit प्रोसेसर है इसका, और 8GB रैम इसके अंदर आई हुई है मेरे पास, और 1TB हार्ड ड्राइव है। तो अभी इसकी हम अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि लैपटॉप मैंने मतलब ब्लैक कलर का मंगाया हुआ है, तो उसका टेक्सचर शायद मैट फिनिश था, और अंदर इसमें हमें इन्होंने कैसा दिया हुआ है तो वो एक बार देख लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने ओपन किया है। फ्रेंड्स देखिए, आप यहाँ पे चार्जर है, चार्जर का ये सेकंड पार्ट है जिसमें अडेप्टर और जो लैपटॉप में पिन लगता है वो है। ये है जो हमारे बिजली के बोर्ड में लगेगा, और इसमें जो सेकंड पार्ट इसके अडेप्टर के साथ कनेक्ट होगा वो ये इसके साथ है। ये इसके साथ दो मैनुअल हैं, इसमें सेफ्टी एंड रेगुलेशन की गाइडलाइंस हैं, और बाकी इसमें सारा कुछ बताया है कि लैपटॉप में क्या क्या मतलब USB पोर्ट और वो सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन है, तो वो मैं अभी डिस्क्राइब करूँगा अंदर इसमें क्या अंदर है। ये देखिए, ये है हमारा लैपटॉप, और इस बॉक्स के अंदर अभी कुछ नहीं है, तो मैं इसको साइड में रख देता हूँ। और अभी देखिए, काफ़ी स्मूथ और मतलब फिनिशिंग है इसमें, काफ़ी स्लिम लैपटॉप है, और वेट की अगर मैं बात करूँ थोड़ा हैवी तो है, बट इतना वेट नहीं है जो पहले मतलब वायोस वगैरह के लैपटॉप आते थे, वो काफ़ी वेटेड रहते थे। तो डेल ने उसमें काफ़ी कॉम्पैक्ट में i7 प्रोसेसर का चिपसेट दिया हुआ है। तो अगर मैं इसकी उसकी बात करूँ प्लास्टिक मटेरियल की, तो ये मैट फिनिश में है, जो मैंने आपको भी बताया था कि ब्लैक कलर में मैंने इसको ऑर्डर करा है, तो ब्लैक कलर में मैट फिनिश है, आप देख सकते हैं रफ सरफेस है एकदम, और इस पर फिंगरप्रिंट्स अगर आपके लग गए तो एक बार दिखने लगेंगे आपको, ठीक है। अभी मैं आपको ये खोल के दिखाता हूँ, ये देखिए, ये इसका कीबोर्ड है और ये इसकी स्क्रीन है। स्क्रीन का इसका साइज जो है वो 14 इंच SD डिस्प्ले है, और अगर मैं इसके अंदर विंडोज सिस्टम की बात करूँ कि इसके अंदर मुझे क्या मिला हुआ है, तो विंडोज 10 प्रो मिली हुई है मेरे को। और बैटरी बैकअप की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें आई थिंक 4 to 6 hours बैटरी बैकअप है। एंड अगर मैं इसकी बैक लाइट की बात करूँ, जो मतलब कीबोर्ड में लाइट जलती है, एक बार ऑन करके भी देख लेते हैं इसको, बैक लाइट में भी इसके लाइट है, तो जलती है बैक लाइट। एंड फिंगरप्रिंट भी है इसमें, इस बटन में पावर बटन एंड फिंगरप्रिंट दोनों है। और अगर मैं HDMI पोर्ट की बात करूँ, तो 1 HDMI पोर्ट है इसमें, ये पावर प्लग इन के लिए है, और ये USB पोर्ट है 1, और ये 1 Type-C पोर्ट है। और अगर इधर मैं देखूँ, तो इधर LAN केबल के लिए दिया हुआ है, और 2 USB पोर्ट, 3.5mm जैक एंड SD कार्ड के लिए एक स्लॉट दिया हुआ है। बाकी मतलब इसकी साउंड क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ, तो साउंड क्वालिटी मैंने YouTube पे इसके वीडियोस देखे थे, तो वो भी काफ़ी अच्छे साउंड क्वालिटी में बताए थे। बट इसमें एक ड्रॉबैक है इसका, कि साउंड अगर आप बेड पर रख के बजाओगे ना, तो इसके स्पीकर पीछे हैं, तो वो साउंड आपको मतलब दब के आएगा थोड़ा सा,
तो अगर आपको यूज करना है और साउंड अच्छी चाहिए तो टेबल या किसी मतलब नीचे से क्लियर होना चाहिए इसका, जो भी क्लियर ग्राउंड क्लियरेंस है वो हटनी चाहिए, ग्राउंड क्लियरेंस मतलब होनी चाहिए इसके साथ। तो अभी एक बार ऑन कर लेते हैं इसको। ये देखिए बैक लाइट इसकी जलने लगी है, कैप्स लॉक का भी जला है। इसमें एक स्लॉट USB 3.2 का है और बाकी के स्लॉट शायद USB 2.0 है। मीन्स दो स्लॉट है, एक इस साइड में एक इस साइड में, जो 3.2 के हैं, और बाकी एक जो डबल है इधर तो उसमें एक 2.0 का है। ये देखिए इसमें मेरे को मतलब इसकी स्क्रीन की क्वालिटी अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही रिफ्लेक्टिव नहीं है, मीन्स LED है, और आप अगर 5 to 8 hours वर्क करते हैं सिस्टम में तो आपकी आंखों में भी मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बाकी अभी के लिए इतना ही, बाकी और मैं डिटेल में इसका वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा, और भी जो इन्फॉर्मेशन होगी जो मैं इस वीडियो में नहीं बता पाया हूँ तो वो मैं अगली वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। एक बार इसका कॉन्फ़िगरेशन फिर से बता देता हूँ कि इसमें 1 TB हार्ड ड्राइव है, i7 प्रोसेसर है, 64-bit प्रोसेसर है ये, और इसमें विंडोज 10 प्रो है और 8 GB रैम के साथ है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर एज सून एज पॉसिबल। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आगे आने वाली अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए। थैंक यू।